निवेश के मौके को देख रहे थे, तो इन दो सेगमेंट पे बातचीत हुई। शो के आखिरी हिस्से में मैं और कुछ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के जो भी अपॉर्चुनिटी उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभिषेक अग्रवाल साहब, जो गिरावट आ रही थी उसमें एक FIs की भूमिका काफ़ी अहम मानी जा रही थी। FIs का देखे तो मैं डेटा देख रहा था, FIs ने 1 अक्टूबर से लेकर के अब तक 1,42,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का पैसा इंडियन मार्केट से निकाल चुके हैं, लेकिन DIs का भी सपोर्ट उतना ही रहा है। तो मेरा 2 सवाल आपसे है कि FIs को निकालने के लिए अभी और गुंजाइश बची हुई है, क्योंकि वो भी पैसा जहां लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से तो लगा नहीं रहे हैं, ट्रेडिंग पर्पस से जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि पूरा खाली कर देंगे, उनको भी एक लिमिट होगी, इससे ज़्यादा नहीं मुझे निकालना, हो गया काफ़ी हो गया। और दूसरा, DIs का सपोर्ट कितना सस्टेनेबल है ऐसे में? सो FIs की जहाँ तक हम बात करें, एक बार मैंने ये चर्चा भी की थी अगेन आपके शो पे कि FIs की जो ओनरशिप है इंडिया के अंदर में अक्रॉस ऑल कंपनीज वो करीबन करीबन 17% है, एंड जो DIs है वो बहुत क्लोज आ गए, एंड आई थिंक सो नाउ दे आर सिटिंग बिटवीन 15-16%। और ये उस समय भी मैंने कोट किया था कि मुझे लग रहा है कि इस बार DI फर्स्ट टाइम अपने हिस्ट्री में, इंडियन मार्केट की हिस्ट्री में, FIs से आगे बढ़ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। So that means A, that FI selling would continue because उनका वो trend अभी तक maintained है, कुछ भी बदला नहीं है। हम शायद quote कर रहे हैं October November की, but अगर हम last 6 महीने का trend देखें या उससे पहले का देखें, hardly को 2-3 महीने की आप buying देख लीजिए, बाकी across selling है। So FI का कुछ momentum बदला नहीं है, बल्कि उन्होंने तो accelerate कर दिया है अपने selling को। And जब मैं कह रहा हूँ कि 16-17% वो own करते हैं, तो quantum wise की अगर हम बात करें तो quantum तो काफी है। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट कि कितना यहाँ से जा सकता है, बट लेट्स से अगर 2% भी अगर उन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर दिया तो इम्पैक्ट काफी बड़ा आ सकता है हमारे मार्केट में। DI की जहां तक बात कर रहे हैं, SIP के थ्रू हम देख रहे हैं रिकॉर्ड टच 25,000 करोड़ मंथली आ चुकी है, जो आई वुड से इज वन ऑफ द ओनली रीजन वाई वी जस्ट करेक्टेड 10%। अदरवाइज से करेक्शन आप 25-30% शायद देख लेते, क्योंकि इतनी बड़ी फ्लो थी जो मेंटेन रहेगी। बैलेंसिंग एक्ट रहेगा, बट ये जो गैप है ना बीच में, DI FI बेच रहे हैं, DI ले रहे हैं, उसके बीच में जो मैंने थोड़ी सी मैथ लगाई उसमें करीबन 18,000 करोड़ का जो गैप है, दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन FI सेलिंग एंड DI बाइंग वो रिटेल ने ली है। सो दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि अब ये एकदम परफेक्ट बैलेंस जा रहा है, बल्कि अब ऐसा भी नहीं है कि परफेक्टली DI ले रहा है, एंड वो गैप अगर थोड़ी सी भी और चलती रही तो ये ऐसे नहीं संभलेगा मार्केट। और यही रीजन है कि मुझे लग रहा है कि थोड़ी और गुंजाइश है मार्केट को नीचे जाने में, बिकॉज ये जब तक ये जो दोनों तरफ से जो तराजू है वो थोड़े बैलेंस आउट नहीं होंगे, तब तक मार्केट की स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। आपने एक बड़ा अच्छा आंकड़ा दिया FIs और DIs की हिस्सेदारी को लेकर के, तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या ये माना जाए कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि FIs पे उतनी ज़्यादा निर्भरता, FIs का निकालना उतनी बड़ी खबर नहीं रह जाएगी? जी बिल्कुल, कोई भी इकोनॉमी को अगर बड़ा होना है तो उसके डोमेस्टिक इन्वेस्टर मार्केट को स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और अभी तक इंडिया के अंदर में हमने हमेशा देखा है कि डिस्पाइट हमारी इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी होने के बावजूद, इतनी स्ट्रांग ग्रोथ स्टोरी होने के बावजूद, हम हमेशा फॉरेन कैपिटल पे डिपेंडेंट रहते थे, एंड फिर अगर वो कैपिटल आउटफ्लो होता था तो हमारे मार्केट अननेसेसरी क्रैश हो जाते थे। सो अब कम से कम वो ट्रेंड तो बदल गया है कोविड के बाद से, एंड बिल्कुल मुझे लग रहा है कि DI आने वाले समय में ये आंकड़ा आप देखोगे तो 18-20% से भी ऊपर ये निकल जाएगा, बट इसे होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये SIP भी जैसे बात करें 25,000 करोड़ तक आ गई, एक साल पहले 20,000 करोड़ तक थी, तो जबरदस्त ग्रोथ है, वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि अपने पास अभी भी जो फाइनेंशियल असेट ओनरशिप इंडिया की है वो अभी भी वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। सो काफी बड़ी जर्नी बाकी है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि हम लोग जो है डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा बेटर ही करेंगे। अभय अग्रवाल साहब, इस मुद्दे को लेके हमने सरकार के कई लोगों से बातचीत की, तो मुझे ये सेंस मिला था कि वो FIs के जाने को एक स्थायी प्रक्रिया नहीं मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि FIs जा तो रहा है वो, लेकिन छोटे समय के लिए जा रहा है, फिर वापस FIs आएंगे या आएंगे इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आप लोगों का अपना आकलन क्या कहता है, या फिर ऐतिहासिक रूप से देखें, हिस्टोरिकली देखें, तो इस तरह के जब FIs सेलिंग करते हैं तो वापस बाइंग के मूड में कब आते हैं, क्या माहौल बनता है कि वापस आ जाते हैं, कोई फैक्टर होता है या फिर कुछ टाइम फ्रेम होता है उसके बाद आना शुरू कर देते हैं? देखिए, जो हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है FPIs का बिहेवियर, एक थोड़ा हर्ड मेंटालिटी होता है, जो एक साथ सेलिंग आती है, एक साथ बाइंग आती है,
एक समय ऐसा था कि दिन पर दिन, महीने दर महीने, 6 महीने, 9 महीने कंटिन्यूअस बाइंग देखी हमने, और उसकी वजह से मार्केट के टॉप्स भी बने। तो ये फॉरेन फ्लो इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम अभी भी एक ग्रोथ इकोनॉमी है, डेफिसिट इकोनॉमी है, ग्रोथ को फंड करना है। उसके लिए जो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो काफ़ी नहीं है, मतलब वो जो आपका डेफिसिट आप फंड करेंगे उसके लिए आपको फॉरेन कैपिटल चाहिए, तभी आप उसको फंड कर पाएंगे। तो इसको जो एफपीआई की सेलिंग है, मुझे नहीं लगता इस तरह की सेलिंग को इतना लाइटली लेना चाहिए। किसी को सोचना चाहिए कि देखिए 23% ओनरशिप थी एफपीआई की इंडियन स्टॉक मार्केट की, और वो गिर के 16% पे आ गई है, ऑलमोस्ट 16 साल का लो है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये एफपीआई जा रहे हैं सेल करके? और आई थिंक सरकार के लेवल पे कुछ तो थिंकिंग होगी कि ये इतना इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, आप इसको सिर्फ अगर DII ले रहे हैं, FPI बेच रहे हैं तो मार्केट स्टेबल है, इतना गिरा नहीं, ये कोई खुशी की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कुछ कोई बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपना ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ फंड करने के लिए, 8% का GDP ग्रोथ फंड करने के लिए एक्सटर्नल कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो अब इस एनवायरनमेंट में मुझे लगता है कि स्लो डाउन होगा डेफिनेटली एफपीआई की सेलिंग में, बिकॉज 16% पे आ गए, एक हिस्टोरिकल लो है एक तरह से जो हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, पर उनका रिवर्सल कब होगा, फ्लोस का कब वापस आना होगा? वो मुझे लगता है तभी होगा जब हमारी अर्निंग साइकिल जो है वो पिकअप करेगी, और वो मुझे लगता है अभी भी हम 2 क्वार्टर दूर हैं उससे। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर 2025 में, सेकेंड हाफ में हम देखेंगे एफपीआईज के फ्लोज रिवर्स होते हुए आते हुए, जब 2 चीजें होंगी, एक तो हमारा अर्निंग्स ग्रोथ वापस आएगा, और दूसरा वैल्यूएशंस तब तक जो है हमारे वो और फेवरेबल हो जाएंगे, रुपी स्टेबल हो जाएगा। तो आई थिंक उस वह तब वो समय बनेगा जब एफपीआईज के हम फ्लोज, इनवर्ड फ्लोज देखना शुरू करेंगे एक अच्छे अच्छे बड़े मात्रा में। तो मतलब लगता है कि जब उन्हें लगना शुरू हो जाए कि अब बाज़ार में या फिर कहें कंपनियों की हालत अब बेहतर होने वाली है, क्वार्टर में मार्केट में डिमांड आ रही है, तब वो फिर से पैसा लगाना यहाँ पे शुरू करेंगे। लेकिन इस बीच एक नया कंसर्न, जब तक US का इलेक्शन नहीं हुआ था तो असमंजस की स्थिति थी, जब US इलेक्शन हो गया, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो फिर मार्केट को बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब लगता है जिस तरह के उनकी रणनीति टर्म 1 में रही है वो शायद टर्म 2 में रही तो थोड़े से घातक हो सकते हैं, तो वो भी एक चिंता अलग अलग लोग जता रहे हैं। अनु सिंघल साहब, आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि ये जो चिंता है डोनाल्ड ट्रंप का आना और उनके नए कैबिनेट का स्वरूप थोड़ा बहुत सामने आता हुआ दिख रहा है, तो ये चिंता बाजार को कितना ज़्यादा सता रहा है? लक्ष्मण जी, पिछली बार जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे मार्केट में बड़ी रैली आई थी, ठीक है ना? तो आई थिंक ये हमारी मार्केट लक्ष्मण जी, हमारी खुद की पॉलिटिक्स पर जब गिरती है तो उसके बाद बाउंस बैक कर देती है। आपको याद होगा जब वाजपेयी सरकार गई थी, मार्केट ने डाउन सर्किट लगाया था, उसके बाद मार्केट ने क्या शानदार बाउंस बैक दिया था। तो मार्केट अर्निंग्स पर चलती है। ये सब चीज़ें जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप, ये वो, ये हमें बात करने के लिए अच्छा लगता है। नियर टर्म में थोड़े मूव आते हैं, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक मूव आ सकते हैं उसकी वजह से, फार्मा पे, IT पे, कुछ एक सेक्टर पे, लेकिन मार्केट पे मुझे लगता नहीं कि इसकी वजह से कोई एक रिस्क है। अच्छा, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी उस दिन तो मार्केट ऊपर था, 2 दिन तक मार्केट ऊपर था, सब लोग कह रहे थे कि अब ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए, फिर क्या हुआ? तो खैर, देखिए ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक्सक्यूजेस बनती हैं, रीजंस बनती हैं, असली कारण नहीं है ये मार्केट के गिरने या चलने का। जसप्रीत जी, डोनाल्ड ट्रंप को आना और उनके जो नीतियां, जो कह सकते हैं कि लोग आकलन कर रहे हैं कि शायद ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इन सब की चिंता छोड़ देनी चाहिए? बहुत इम्फेटिकली यस सर, हमने ना 2016 में ही सीख लिया था, व्हेन आई वाज इन माय प्रीवियस सेल साइड यू नो अवतार इन एज हेड ऑफ रिसर्च, वो यू नो 2 से 3 महीना 2016 की बात कर रहा हूँ, एंड डोनाल्ड ट्रंप का जो फियर था वो अलग लेवल में था उस समय, थोड़ा फियर ज्यादा था कि वो आ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। मार्केट ने नीचे रिएक्शन दिखाया था, 5-7% डाउन था इन 2016, एंड वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एंड उसको जिसने एनकैश किया था एंड दे गॉट अ गुड 20-25% रिटर्न इन दैट ईयर, एंड दैट वाज अ मतलब वो फ्लैटिश ईयर था 2016 में, कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम तो था नहीं मार्केट में, तो उस साल 20-25% रिटर्न बहुत अच्छा था। तो मतलब हिस्ट्री हैज टॉट अस बहुत एज रिसेंट एज 8 ईयर्स बैक इन हिज प्रीवियस टर्म, कि थोड़े टाइम के लिए ये सब नॉइज रहती है, बट एंड ऑफ द डे ही इज अ प्रेजिडेंट वो जिसको सबको नीतियों को साथ में लेकर मतलब आगे लेके जाना है, एंड
डिफरेंस ये है उस समय यू नो इंडिया इतना आई वुड से द वे हम देख रहे हैं इंडिया इतना बेटर पार्टनर नहीं था यूएस का एंड चाइना उतना दूर नहीं था चाइना के साथ उनकी जो रंजिश थी इतनी ज्यादा नहीं थी तो इस समय वी आर मोर फेवरेटली प्लेस्ड कि हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं यूएसए इन टर्म्स ऑफ ट्रेड पॉलिसीज एंड चाइना बहुत दूर हो गया है तो विद दैट बैकग्राउंड विद दैट रियलिटी मतलब हमें बहुत ज्यादा इनफैक्ट हमारे लिए अच्छा ही है इंडिया के लिए ट्रेड पार्टनर्स के लिए हमारे यू नो चाइना प्लस वन के हिसाब से वी आर मोर फेवरेटली बेटर प्लेस टुडे। इसमें मैं दोनों ही पक्ष को देख रहा हूँ, आपके बातों से मैं दोनों तरह से सहमत भी हूँ और कुछ हद तक असहमत भी हूँ। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो आपको याद होगा जब एल्युमिनियम पर और स्टील पर हैवी ड्यूटी लगा दिया था तो